नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, हम आपको डेली चीज़ों से जुड़ा और अपने आसपास के वातावरण से जुड़ी हम चीज़ें बताते रहते हैं। हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए। आज तो हम आपको बहुत ही बढ़िया सी चीज़, वैसे हर चीज़ भाई अगर नहीं पता है या जब पता लगती है, ये पहली है ना कि क्या है चीज़ जो आपको आपको पता नहीं है तो बड़ी है और पता है तो फिर खत्म है ना। तो मित्रों, आज आपको क्या हम बताने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आकाश गंगा के बारे में। रात के समय में बिल्कुल जब अंधेरी रात होती है, अब तो छत पे लोग जाते ही कहाँ, पहले छत पे ही हम लेट के अपनी नानी दादी के घर जब जाते थे, अपने घर भी होते थे, बत्ती चली जाती थी बड़ी बड़ी देर को, छत पे लेट के तारों को निहारते हुए समय गुजारते थे। तो तारों की लंबी श्रृंखला और एक ऐसा लगता था जैसे उसके आसपास एक सफेद रंग की धूल बिखरी हुई है। दरअसल धूल क्या, बाद में हमें पता चला कि वो खुद तारे ही हैं, तारे, धूल के बादल, तरह तरह की गैसेस, नए उभरते हुए तारे, पुराने तारे, और हम खुद, हमारा सौर मंडल उसका एक भाग है और उसे हम कहते हैं आकाश गंगा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा मित्रों कि आकाश गंगा का एक हिंदी नाम, और ये भी हिंदी नाम है, निहारिका। और मैं आपको बता दूं, ये हमारी निहारिका जो है, जिसे मिल्की वे या दूधिया पट्टी नाम दिया गया है, इसके अलावा एक ही आकाश गंगा नहीं है ब्रह्मांड में, पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं हैं, पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं हैं, हम उसका एक भाग हैं। इस आकाश गंगा में आप सोचिए, जरा सोचिए, मैं आपको बताता हूं, जब तक मैं लिखता हूं जरा आप अंदाज लगाइए। ये है इतने तारे, अंदाजन आकाश गंगा में हमारी हैं। कितने तारे हैं जानते हैं? ये हैं 1,50,000,000,000 तारे, 15 के पीछे 10 शून्य लगे हुए हैं। 1,00,000,000,000, लिख देता हूं आपके लिए 50, ये बिल्कुल सही गिनती नहीं है, अनुमानित गिनती है, 50,00,000,000,000 तारे हैं। आकाश गंगा का जो आकार है, जो हमें तो सीधी लाइन दिखती है, मगर वैसे आकाश गंगा का आकार कुछ गोल है, ऐसा है कुछ, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा एक कुंडली मारे हुए सांप की भांति है इस आकाश गंगा का आकार, जिसके बीच में वही मैंने कहा पता नहीं कितने तारे, धूल के बादल, ब्लैक होल्स और जितनी भी ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं जो होती हैं वो इसमें हैं, और ये घूम रही है, ऐसा नहीं है, हमारा सौर मंडल इसके साथ है, वो भी घूम रहा है, हमारे सूरज महाशय भी इसका चक्कर लगा रहे हैं, और ये जो आकाश गंगा वगैरह, ये ब्रह्मांड की दूरियां ये किलोमीटर में ही नापी जा सकती, ये नापी जाती है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष समझते हैं, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, और प्रकाश दूरी कितनी तय करता है ये आप अंदाज लगाइए, मैं आपको बता दूं, 1 सेकंड में चलता है प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर, सोचिए 1 साल में कितना चलता होगा। और मैंने कहा सूरज महाशय खुद, हम सर, हमारा पूरा सौर मंडल, पूरा इस निहारिका, इस आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, और सूरज को इस आकाश गंगा का चक्कर लगाने में कितना समय लगता होगा, यूं ही अंदाज लगाइए, जितना लगा सकते हैं लगाइए। अब अगर आपने लगा लिया हो तो मैं आपको बता दूं 25 साल, अब बीच में क्या लिखूं आप बताइए, आपको बता देता हूं 25 करोड़ साल। इतना चौंकिए मत, ये ब्रह्मांड है, इसका विस्तार हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, और
हमारी सोच हर उस चीज को पकड़ना चाहती, क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा है। और जिज्ञासा हमारे चैनल का भी नाम है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोचक चीजें आपके लिए हम जरूर लाते रहेंगे हर बार अपने वीडियो में कुछ नया। देखते रहिए हमें। नमस्कार।